अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वेलवेट मरीना प्लेन सॉलिड कलर जो होते हैं उसकी ड्रेस डिज़ाइनिंग। आज की ड्रेस डिज़ाइनिंग ज़रा डिफरेंट है और आपको बहुत अच्छी लगेगी। मेरे चैनल पर न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा एंड वीडियो को भी ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आज की ड्रेस डिज़ाइनिंग थोड़ी डिफरेंट है और मुझे पूरी उम्मीद है कि जितनी मैंने मेहनत की है आपको जो है वो उतना ही पसंद आएगा, बल्कि मेरी मेहनत से ज़्यादा पसंद आएगा। तो मेहनत के बदले में आप मुझे लाइक कर दीजिएगा एंड कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस तरह से ये वेलवेट कॉटरा एक कपड़ा था जिसकी मैंने शॉल जो है सोचा डिज़ाइन करती हूँ। उस तरह के ड्रेसेस तो आप बनाते ही हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना ज़रा डिफरेंट जो है वो क्रिएटिविटी की जाए, आप लोगों को आइडिया दिया जाए कि हम इस तरह से भी प्लेन कलर्स को जो है डिज़ाइन कर सकते हैं। सो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, एंड तक देखिएगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा, मैं आपको जवाब दूंगी। ये सारे इसके प्रिंट्स आ रहे हैं, आप चाहें तो इनके शॉल्स भी बना सकते हैं, आप चाहें तो इनके सूट्स भी बना सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। लेकिन मैं ज़रा शॉल बनाना चाह रही थी, मैंने सोचा इसके साथ अगर आप प्लेन डिज़ाइन करें। तो मैं ये कपड़ा देख रही थी, ये क्या कपड़ा है? ये वेलवेट मरीना है, वेरी नाइस वेलवेट। आप इसको देखें, इसकी ये बैक है ठीक है, और ये इसकी लाइट सी जो है वो वेलवेट है। आप देख रहे होंगे इसकी शाइनिंग, ये देखें। अगर हम इसका प्लेन सूट बनाएं तो बहुत अच्छा लगेगा। इसके अगर हम शॉल बनाएं साथ, हम ये प्लेन सूट बनाएं। अच्छा, ये शॉल मिलेगी हमें 1500 की, पौने तीन का। और ये सूट किस तरह है? वेलवेट मरीने का जो प्राइस है वो 3000 है, आपकी व्यूअर्स के लिए 1800। ये 1800 का फुल सूट कटिंग कितनी है भाई? साढ़े तीन बड़े अर्ज का, बड़े अर्ज का और 3.5 गज। आप आराम से इसकी जो है वो लॉन्ग शर्ट भी बना सकते हैं। सो ये मुझे अच्छा लगा। इसमें जो है ना और कलर्स हैं बहुत ज़्यादा, कलर इन सब के साथ मैचिंग का, ये अच्छा, जितने भी सब के जो है। जैसे मैं सोच रही हूँ कि मुझे ये पसंद आई है कि हम इसको लाइलक के साथ कर लें, तो आपके इसके अंदर जो भी प्रिंट्स के अंदर कलर्स है ना, आपको उसके साथ ये जो है वो वेलवेट मरीना मैचिंग मिल जाएगी। इतना डिफरेंट सा लगा मुझे, तो मैंने सोचा ट्राई करते हैं। अरे वेलवेट मरीना के कलर्स है, ये वाले सारे कलर्स है। और ये फुल सूट हमें मिलेगा 1800 का फुल सूट मिलेगा। और जितनी भी मैंने आपको बाय प्रिंट्स दिखाए हैं उसके साथ इनको मैच कर सकते हैं। तो शॉल एंड सूट मैं ले आई थी, मैंने बनवाना था फ्रॉक, इसलिए मैंने आधा गज कपड़ा जो है फ्रॉक के लिए ज्यादा लिया था, क्योंकि ये बड़े अर्ज में था। अब इसकी दिखाती हूँ स्केचिंग। तो अभी बात कर लेते हैं इसकी स्केचिंग की डिटेल में, जो मैंने ड्रॉ की हुई है। अच्छा, पैनल्स वाला मैंने ये फ्रॉक बनाया है, बट इसके चौक जो है वो ओपन है और पैनल यहाँ से थोड़ा सा स्केचिंग में इशू आ गया, बट आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। जब आप इसको बने हुए भी देखेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। कुछ इस तरह से मैंने इसको डिज़ाइन किया है। साइजेस वगैरह मैंने सारे मेजरमेंट जितनी भी हैं सारी वो मेंशन कर दी हैं। ट्राउज़र जो है वो 38 इंचेस का है, फुल लेंथ ट्राउज़र है 10 इंचेस का, उसका पांचा है। मोस्टली आपने देखा होगा यही साइज होता है, या 37 या 36 होता है, वो तब होता है या कपड़ी स्टाइल हो या इस तरह से। ये फुल लेंथ ट्राउज़र है एंकल तक, और इस तरह से ये पैनल वाला फ्रॉक है। फ्रंट एंड बैक दोनों जो है वो सेम है, डिज़ाइन भी सेम है, साइजेस भी सेम है। कुछ इस तरह से मैंने इसकी खिड़कियाँ बनाई हैं। आपने मुझे ज़रूर बताना कमेंट करके आपको खिड़कियों वाला कॉन्सेप्ट कैसा लगा। थोड़ा सा नया कुछ करना चाह रही थी, तो इसलिए मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूँ। मुझे अच्छा लगा, आप भी मुझे बताइएगा ज़रूर कि आपको कैसा लगा। इसको वैसे थोड़ा सा मैंने डिफरेंट बताया था मास्टर साहब को, लेकिन उन्होंने अपनी तरफ से थोड़ा सा चेंज कर दिया, बट स्टिल इट लुक्स वेरी नाइस। सो अब चलते हैं इसकी फाइनल लुक की तरफ। आई होप कि आपको फाइनल जो प्रोडक्ट बन के आया वो पसंद आएगा, मुझे बहुत उम्मीद है। चलें देखते हैं चल के। तो ये रही इसकी फाइनल लुक। पर्सनली बताऊँ तो मुझे ये ड्रेस बन के बहुत अच्छा लगा था। कुछ एप्लिक वर्क मैंने किया है इस फ्रॉक के ऊपर, पैनल्स में फ्रॉक है, डिटेल्स मैंने ऑलरेडी आपको बताई हैं। और मुझे ना पहले सोचा था कि बिल्कुल प्लेन पैनल वाला बनाऊंगी, फिर मेरे दिमाग में ना बैठे बैठे ख्याल आया क्यों ना इसके साथ कुछ जो है ना वो क्रिएटिविटी इस तरह से की जाए कि इसमें खिड़कियाँ बनाई जाएँ ताकि हवा जो है ना वो भी क्रॉस हो। इस वजह से मैंने बनवाई कि वो खिड़की है बंद, ठीक है सर्दियाँ हैं ना तो खिड़कियाँ हमने बंद ही रखनी है वरना ठंड लगेगी बहुत ज़्यादा। गला जो है वो इस तरह से नेकलाइन है, इस तरह से इसके पैनल्स हैं, ऊपर से आ रहा है और फिर ये वी में ओपन हो रहा है, और पैनल्स में इस तरह से एप्लिक किया है जो मैंने शॉल का कपड़ा लिया है। वेलवेट टाइप है, कॉटराय वेलवेट कह लें आप।
और इस तरह से साइड्स पे जो है वो छोटी हैं, मिडल वाली लेंथ जो है लंबी है. सेम जो है वो साइजेस जो है जो मैंने अप्लाई किया है शॉल का कपड़ा बैक साइड पे भी है. आपने मुझे ज़रूर बताना है कैसा लगा. थोड़ा डिफरेंट कॉन्सेप्ट है. आई होप कि आपने ऐसा डिज़ाइन नहीं देखा होगा, मेरी नज़र से नहीं गुजरा, बट स्टिल मेरे दिमाग में बैठे बैठे कहते हैं ना आमद हुई जैसे शायर को, तो मैं शायर तो नहीं हूँ, मुझे तो शायरी का बिल्कुल कुछ कख भी नहीं पता, बट स्टिल मैंने कपड़ों पर जो है ना वो अपनी कपड़ों के ऊपर डिज़ाइनिंग के जो है ना वो शायरी करने की कोशिश की है. सो इस तरह से स्लीव्स मैंने फुल रखवाए हैं. अच्छा, इस तरह के स्लीव्स भी होते हैं, फुल लेंथ स्लीव्स हैं, बहुत प्यारे लगते हैं. सिंपल वॉच पहन लें आप, बन बनाया हुआ है. और यस, मुझे याद आ गया, बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं हेयर केयर रूटीन के बारे में, स्किन केयर के बारे में. इंशाल्लाह उसकी भी डिटेल वीडियोज़ में आपके साथ शेयर करूँगी. और इस तरह से मैं आपको बता रही हूँ कि ये पैनल इस तरह से है, ठीक है. फिर यहाँ पे आके ये वी में आ जाता, ठीक है. जो एक्सपर्ट है स्टिचिंग में उनको आइडिया हो गया होगा. आप, मैं ना कहती हूँ कि काश मुझे स्टिचिंग आती, लेकिन मैं सोच रही हूँ मुझे स्टिचिंग सीखनी चाहिए. एक स्टिचिंग है जो मुझे नहीं आती, डिज़ाइनिंग तो मैं कर लेती हूँ जैसी तैसी, आपके साथ शेयर करती हूँ. आप उसको पसंद करते हैं, आपका प्यार है, और आपका प्यार ही मुझे आज इस मुकाम पे लेके आया. उसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आप सबका. अल्लाह ताला का खास करम है, मेरी फैमिली की बहुत सपोर्ट है, उस सबके लिए बहुत शुक्रिया. अच्छा, यहाँ पे मैं मेंशन करती जाऊँ कि मुझे ना प्लेन कलर्स के साथ जो है ना वो काम करना बहुत पसंद है, उसके ऊपर डिज़ाइनिंग करना बहुत पसंद है. और प्लेन जो कलर होता है ना, सॉलिड कलर्स, ये हर एक बॉडी टाइप पर अच्छा लगता है, हर एक कॉम्प्लेक्शन पे अच्छा लगता है, और बहुत डिफरेंट लगता है ना. और इसलिए मैं जितने भी प्लेन कपड़े होते हैं उनको डिज़ाइनिंग करने का मुझे बहुत जो है ना वो मज़ा आता है, और मैं इन्जॉय करती हूँ. मुझे पहन के बहुत मज़ा आता है. जो कपड़े की जो फॉल आती है, जो लुक आती है, वो बहुत अच्छी होती है. एज़ कम्पेयर टू जो प्रिंटेड कपड़ा होता है ना, उससे ज़्यादा प्लेन में ज़्यादा अच्छी लुक आती है, और आप स्मार्ट लगते हैं, और बड़े क्लासी है, और बड़ा एक डिसेंट सी लुक आती है. और ये चॉक्स हैं, ठीक है, ओपन है, आप चाहें तो बंद भी रखवा सकते हैं, लेकिन ना मुझे बंद फ्रॉक ज़्यादा मज़े का नहीं लगता, इसलिए मैं मोस्टली जो है वो चॉक ओपन ही रखती हूँ. और ट्राउज़र का आपको नज़र आ रहा है, फुल लेंथ ट्राउज़र है साथ शॉल. आप यकीन करें बहुत मज़े का लगा मुझे. मैंने अपनी बहन को दिखाया, उसे बहुत अच्छा लगा, अम्मी को दिखाया, भाभी को दिखाया, उनको बहुत अच्छा लगा. और लाइलैक कलर तो पहना हुआ बहुत ही अच्छा लगता है, एक डिफरेंट ही ग्लो आता है. अच्छा, इसकी शॉल जो है वो बिल्कुल मैंने सिंपल रखी, कोई लेस नहीं लगवाई, कोई टेसल नहीं लगवाया, क्योंकि ऑलरेडी ये फ्लोरल प्रिंट था, तो वो उसकी अपनी ही ग्रेस है. अगर मैं उसके ऊपर कोई लेस वगैरह लगा लेती तो जो मेरे फ्रॉक का, ड्रेस का जो लुक है ना वो दब जानी थी. इसलिए जब मैंने इसको अप्लाई कराया तो इससे मुझे लग रहा था कि ड्रेस की जो है ना लुक्स और इन्हांस हो गए हैं, और अच्छी लग रही थी. और शॉल तो पहनी भी बहुत अच्छी लग रही थी. अब आपकी बारी है, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आप किस टाइप की ड्रेस डिज़ाइनिंग देखना चाहते हैं. फॉर्मल दिखाऊं आपको करके, या आपको सिंपल कैजुअल करके दिखाऊं, मुझे कमेंट पे ज़रूर बताइएगा. और आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आते हैं मुझे अप्रिसिएशन के, सबके लिए शुक्रिया, थैंक यू सो मच. तो यही थी आज की वीडियो, आई होप आपको पसंद आई होगी. मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में. जल्दी जल्दी बस लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दिखाइएगा, ताकि मेरी मोटिवेशन भी बढ़े ना. आपके कमेंट्स पढ़ के ना मेरी मोटिवेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है. तो चलें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. अल्लाह हाफिज़, बाय.